हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ रैम योर फ्रेंड। और आप देख लो, करने वाले हैं आरसी 390 जो आपकी BS4 आती थी उसके साथ एनएस का कंपैरिजन। भाई टॉप एंड में आरसी को एनएस बीट नहीं कर सकती, फुल फेयरिंग के साथ आती है, बट स्टिल इनिशियल एक बार चेक करेंगे। और बाकी पावर फिगर आपको पता ही होगा, इंजन दोनों में ही आपका 373 cc का लगा हुआ है और दोनों ही आपकी DUSC टेक्नोलॉजी के साथ आती हैं। लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी है, 6 gear speed ट्रांसमिशन है, बट पावर फिगर डिफरेंस है। NS आपकी 40 PS की पावर देती है, वहीं पे RC 43 PS की पावर देती है। NS आपकी 35 Nm का टॉर्क देती है, वहीं पे जो RC है आपकी वो 37 Nm का टॉर्क देती है। इसके अलावा जो RC है उसमें फुल फेयरिंग भी है। तो सारे ही जो कहते हैं ना, एक शीट पे जितनी भी स्पेसिफिकेशन है वो RC को सपोर्ट करती हैं। और मुझे लगता है ऑन रोड प्रैक्टिकल में भी RC ही जो है वो विनर रहने वाली है। फिर भी कर लेते हैं, क्योंकि प्राइस में इतना बड़ा गैप है कि एक बार देखना चाहेंगे कि हाफ रेट की जो बाइक है वो कैसा परफॉर्म करती है RC के साथ। स्टार्ट कर लेता हूँ NS। निकल गए आगे, और भाई पीछे बना अगर मुझे रहना है तो छोड़ना नहीं RC को। एक बार गैप बना और मैं गायब। भाई इसमें टायर लगे हैं मिशलिन के, नॉन रेडियल वाले, तो गाड़ी स्किड कर जा रही है। इतना पावर देते हैं कि टायर स्किड कर जा रहा है, प्रॉपर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। फिफ्थ गियर में आ गई, हमें नहीं लग रहा कि NS पकड़ पाएगी इसको। देखते हैं पीछा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लग नहीं रहा है। क्या बन गया भाई, ज्यादा क्या बन गया। अब नहीं कर पाऊंगा पीछा, पीछे रह गई है। तो भाई मुझे लगा भी था कि ऐसा ही होने वाला है, फेयरिंग वाली बाइक है। के साथ NS कंपीट नहीं कर सकती। बाकी देखते हैं कब रोकता बंदा। हमें लग रहा है कि NS का निकलना मुश्किल हो जाएगा। रोक तो रहा है,
अच्छा खासा। फिफ्थ गियर तक मैंने कोशिश की कि मैं पीछे लगा रहूं, ट्रेनिंग भी कर लूं, हाँ लेकिन नहीं कर पाए यार, इतने इतनी पावर इस गाड़ी में ना, इसके टायर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। स्किड कर गए थे भाई इनिशियल में। तो भाई पहली रेस में आपने देखा कि इनिशियल में भी आरसी निकली गई आगे, थोड़ा देर साथ रहे होंगे, कह रहा पहले दूसरे गियर तक साथ रहे होंगे बस। बाकी टॉप एंड आगे, यहाँ पे देखो चौथे गियर पे आरसी आगे निकल गई भाई। आरसी के जो टायर है ना थोड़े से वेयर ऑफ है, थोड़ी सी स्किड कर रही है, बट कोई फायदा नहीं है, एनएस कंपीट नहीं कर पाएगी। इनिशियल में भाई थोड़ा सा पॉपअप कर रही थी गाड़ी, मैं तुरंत लगाऊंगा स्लिप स्ट्रीमिंग। स्लिप स्ट्रीमिंग भी नहीं कर पाएगी, देखो 165 पे ऑलरेडी हूं मैं। और कोई फायदा नहीं है, बहुत पीछे है एनएस वाला, गैप करता चला जा रहा है। स्लिप स्ट्रीमिंग लगाने का मौका ही नहीं दिया उसने, तो मैं कहां से स्लिप स्ट्रीमिंग लगा दूं, कोई मौका नहीं दिया भाई उस गाड़ी ने, कोई मौका नहीं दिया। अभी तो टॉप एंड भी नहीं अचीव किया बाइक, बट अच्छा खासा डिस्टेंस आ गया होगा। कोई मौका ही नहीं दिया भाई, अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ भैया, अब गाड़ी मेरी नहीं जाएगी आगे। I assume ठीक ठाक पीछे रहोगे भाई। आरसी मौका नहीं देती है, इनिशियल तो इसकी टायर की वजह से थोड़ा मैंने धीरे छोड़ा था, स्किड मार रहा है टायर भाई, मैं बता रहा हूं इसका पावर झेल नहीं पा रहा टायर। हाँ तो भाई एक चीज आप याद रखो, मिशलिन के टायर हैं, बट ये वाले मिशलिन के टायर आप कभी मत लगवाना, रोड 5 हो गया ये सब आप लगवा सकते हो, नॉन रेडियल टायर है, बट ये मिशलिन के नॉन रेडियल टायर, आप समझ रहे हो, मतलब आरसी में नॉन रेडियल टायर मतलब गुनाहे अजीम, इससे बड़ा पाप हो नहीं सकता। हाँ है कि नहीं, कह रहा हूँ आरसी 390 में नॉन रेडियल टायर मतलब पाप गुनाह, मौका नहीं मिलेगा। तो भाई बहुत स्किप मार रहे हैं टायर, बट स्टिल आपका आपने देखा कि भाई आरसी की परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच है भाई, जाहिर सी बात है चाहता हूँ ना, ऑन पेपर आपको दिख जा रहा है भाई पावर ज़्यादा दे रही है 3 PS की, टॉर्क ज़्यादा दे रही है 2 Nm, हल्की है और फुल फेयरिंग के साथ आती है, और भाई जो इसके एरोडायनामिक्स हैं वो भाई जहर हैं। तो भाई
नेकेड बाइक वैसे भी अगर सेम पावर की होती तब भी नहीं टिक पाती, ड्यूक 390 को ये पीछे कर देती थी, तो ये तो NS आपकी है। बाकी आप लोग मुझे बताइए ब्लॉग कैसा लगा, सोशल मीडिया हैंडल मेरे यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज राम सोल्टर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।